हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का रम्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 टू 2022 2021-22 का क्वेश्चन है यह, और यही आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन भी है। इसी प्रकार से इस बार भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है, और इसके अलावा भी आप अपने चैप्टर से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए साइंस से है, ठीक है। साइंस के देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, दूसरा प्लाज्मा द्रव्य, तीसरा रसधानी, चौथा जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जीव द्रव्य को। फिर देखिए दूसरा नंबर, निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन है तांबे का तार, दूसरा गंधक का टुकड़ा, तीसरा कोयला, चौथा रबर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, तांबे का तार। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा शैवाल, चौथा विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीवाणु से होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर नंबर की ओर। फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु कैसे होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं, पहला ऑप्शन है छोटे, दूसरा बहुत सूक्ष्म, तीसरा छिन्न, और चौथा सूक्ष्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुत सूक्ष्म। फिर देखिए फाइव नंबर, निम्न में से एक कोशिका जीव क्या करता है। निम्न में से एक कोशिका जीव क्या करता है। पहला ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व प्रजनन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर देखिए छठा नंबर, बंद कमरे में क्या जलाना खतरनाक होता है। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती, दूसरा दिया, तीसरा कोयला, चौथा लकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लकड़ी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। सात नंबर, कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा जनन, तीसरा खंडन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। केंद्रक भी होता है, जनन भी होता है, खंडन भी होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग एट नंबर की ओर। एट नंबर का क्वेश्चन है, HIV क्या है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा जीवाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कीटाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वायरस। फिर देखिए नौ नंबर, कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन ई, या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दस नंबर की ओर। दस नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंदर कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 60, और तीसरा 90, चौथा 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 60%। मनुष्य के अंदर 60% जल होना बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, फसल को पकने में कितने महीने का समय लगता है। पहला ऑप्शन है 3 से 5, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6, चौथा ऑप्शन है 5 से 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 से 4 महीने का समय लगता है फसल को पकने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा जल, चौथा ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रोजन। फिर देखिए 13 नंबर, खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण करते हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा शैवाल, चौथा विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कवक। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, कोयले के जलने से क्या उत्पन्न नहीं होता है। कोयले के जलने से क्या उत्पन्न नहीं होता है। पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा ज्वाला, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ज्वाला। ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है कोयले के जलने से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर क्या उत्सर्जित होती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड, दूसरा तापीय ऊर्जा, तीसरा धातु कर्म, और चौथा चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इलेक्ट्रोड।
इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटर रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, कॉपर बैटरी के रिन टर्मिनल से संयोजित होकर क्या उत्सर्जित होती है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, 16 नंबर, किशोर को क्या कहा जाता है? किशोर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है किशोर, दूसरा ऑप्शन है किशोरी, तीसरा है टीनेजर्स, और चौथा है यवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किशोर को किशोर कहेंगे, कॉमन सी बात है। फिर देखिए 17 नंबर, खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं? खरपतवार यानी कि खेत में जो अनवांटेड ग्रास, बेकार का घास उग जाता है, उसको हटाने की विधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कटाई, दूसरा निराई, तीसरा छटाई, चौथा बुआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निराई। इसे आप नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा चुंबकीय प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चुंबकीय प्रभाव। फिर देखिए 19 नंबर, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? पहला ऑप्शन है 75, दूसरा 77, तीसरा 78, चौथा 74। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 78%। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, निम्न में से अधातु कौन सी है? अधातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा इनमें सभी। तो देखिए अधातु तो सभी है, सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें सभी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला सब्जेक्ट की ओर, अगला सब्जेक्ट देखिए मैथ है। मैथ में पहला क्वेश्चन देखिए, 10 पैसे का 10 रुपये से अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 नंबर इस तरीके से बनेगा, 10 पैसे बटे 10 रुपया, 10 पैसे को 10 पैसे से हम लिख देंगे यहाँ पर, और 10 रुपया को हम लोग पैसे में बदलेंगे तो 1000 पैसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, 0 0 कट जाएगा तो 1/100 बचेगा। तो इस तरीके से 1:100 इसका आंसर होगा, 1:100 ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखिए 22 नंबर, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 9,079.69 मीटर² है, खेत की भुजा की लंबाई बताएं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 22 नंबर में दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ 9,079.69 मीटर² ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए क्षेत्रफल के नीचे हम लोग क्षेत्रफल लिख देंगे, भुजा स्क्वायर के नीचे भुजा स्क्वायर लिख देंगे, और क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर ये जो रूट है, रूट स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर, स्क्वायर बराबर का इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। इस तरीके से अंडर रूट 979.69 = यहाँ पर भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बस इसको पलट देंगे, ठीक है, बस पलट दिए हैं। अब इसका रूट निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 31.3, तो 31.3 मीटर ये हो जाएगा इसका भुजा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 31.3 मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री हो, तो यदि AB = 6, BC = 8 है तो AC क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कोण B 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, AC हम लोगों को बताना है। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर 8 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 24 नंबर, 27 का घात 1/3 × 27 का घात -4/3 का मान होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा 24 नंबर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बटे का मतलब भागा होता है, हम लोग भागा लगा देंगे, और यहाँ पर गुना को गुना सेम लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, पूरा जो क्वेश्चन उसको सेम उतार दिए हैं, बस बटे के स्थान पर यहाँ पर हम लोग भाग लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों का आधार 27 27 से है, ठीक है,
तो हम लोग जो घात रहता है, जो भी घात रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो घात को माइनस कर देंगे, दो बार यहाँ पर देखिए 27 है, बीच में भागा इसलिए एक बार 27 लिखेंगे और घात को माइनस कर देंगे। 2/3 - 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सेम यहाँ पर उतार दिए हैं, नीचे आते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर गुना को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर 27 का घात - 4/3 को सेम लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, दोनों का आधार सेम है, बीच में गुना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को मतलब दोनों का घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों का घात को जोड़ देंगे तो 27 का घात 1/3 - 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -3/3 हो जाएगा घात, और दोनों को काट देंगे तो -1 बचेगा। अब देखिए 27 का घात - 1 है, माइनस को सॉल्व करने के हम लोग 1/27 लिख देंगे इसी को। -1 है घात में 27 का, तो -1 घात को हटाने के लिए 1/27 हम लोग इसको पलट देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1/27, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 25,000 रुपये 12% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 1 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 29,120 रुपया, या दूसरा ऑप्शन है 28,000, तीसरा ऑप्शन है 28,520 और चौथा ऑप्शन है 30,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 29,120 रुपया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर ₹40,000 में खरीदा गया 15% वार्षिक दर से, इसके मूल्य का अवमूलन हो गया यानी कि दाम घट गया, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 26 नंबर, तो देखिए पी यानी कि मूलधन 40,000 रुपये है, समय 1 वर्ष है और रेट है 15% अवमूल्य यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 वर्ष बाद जो उसका मान है वो निकालेंगे। देखिए पी फॉर्मूला है P·(1 - R/100)² यहाँ पर एन रहेगा, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे पूरा का पूरा यहाँ पर और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 34,000 रुपये आएगा। तो 34,000 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 34,000। अब बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, वह ट्रक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168। फिर देखिए 28 नंबर, एक पशुशाला में 30 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है, यही भोजन 36 पशुओं के लिए कितने दिन चलेगा? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है, देखिए पशुओं की संख्या 30 है तो कितना दिन चलेगा? 6 दिन चलेगा। तो जब 36 पशु रहेगा तो कितना दिन चलेगा? तो 1 दिन चलेगा मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यह प्रतिलोम अनुपात है, अतः x = 30×6/36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 को हम लोग 6 के साथ गुना करेंगे और फिर 36 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 दिन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5 दिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 का हो? एक समबहुभुज की भुजाएं कितनी होगी बताना है, जिसका अंतःकोण 150 डिग्री का होगा। तो इसका हल देखिए, प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण 180 - 150 हो जाएगा, तो 30 डिग्री जो है वो बाह्य कोण होगा। भुजाओं की संख्या 360/30 इसको काट देंगे तो 12 डिग्री होगा, अतः समबहुभुज की भुजाएं 12 होगा, यहाँ पर 12 भुजा है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर, कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है
पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 0, 2 या 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 1, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। आयत ABCD में AC 10 सेंटीमीटर, तो BD का माप क्या होगा? देखिए आयत ABCD है और इसमें AC का मान 10 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर AC बराबर BD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण बराबर होता है। आपको लिखना है आयत का विकर्ण बराबर होते हैं, अतः AC बराबर BD, BD बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर। योलर सूत्र का प्रयोग करके फलकों की संख्या बताएं, अगर शीर्ष जो है वो 6 और किनारे 12 हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन है, त्रिविमीय आकारों के कितने मापन होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, त्रिविमीय यानी कि 3D में कितने मापन होते हैं, 3 मापन होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 24 और 10 सेंटीमीटर विकर्ण वाले सम चतुर्भुज आकार की टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए विकर्ण, पहला विकर्ण है 24, दूसरा विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी D1 × D2 यानी कि दोनों विकर्ण का गुणनफल। सॉल्व कर देंगे वैल्यू पुट करके तो हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। एक समलंब की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है, इन भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग गुना h होता है, तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। समांतर भुजा 20 और 15 दिया हुआ है, 1/2 को उतार देंगे और ऊंचाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, अतः ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 175 मीटर स्क्वायर। मीटर है या सेंटीमीटर है क्वेश्चन? यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की जगह पर ये मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आप इसको मीटर के साथ ही सॉल्व कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है संगठित आंकड़े, दूसरा असंगठित आंकड़े, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, असंगठित आंकड़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3y + 4/2 − 6y = −2/5 समीकरण में y का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, 3y + 4/2 − 6y = −2/5 यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इसके साथ गुना करेंगे और −2 को इसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 को हम लोग 3y + 4 के साथ गुना कर दिए हैं और 2 को हम लोग गुना कर दिए हैं 2 − 6y के साथ। अब यहाँ पर बस लिखे हैं गुना में ब्रैकेट में, बट नीचे यहाँ पर पूरा गुना कर दिए हैं, 5 को ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना करेंगे। 15y को नीचे से उतार देंगे और यहाँ पर देखिए 12y है, 12y को इधर लाएंगे बराबर का दूसरी साइड, तो −12y हो जाएगा और −4 को −4 लिखेंगे और 20 को इधर लाएंगे तो −20 हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3y = −24 हो जाएगा। अब y का वैल्यू देखिए 3 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इस तरीके से y = −24/3 y = इसको काट देंगे, 3 × 3 = 24 −8 ऊपर रहेगा तो −8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा −8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। यदि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया
10 मीटर हो तो सामान्य स्थितियों में एक पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर 14 मीटर खंबा है तो उसका छाया जो बन रहा है वो 10 बन रहा है, तो कितना ऊंचा पेड़ रहेगा कि उसका 15 मीटर छाया बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हम लोग कितना यहाँ पर क्वेश्चन की जगह में एक्स लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 15 के साथ गुना कर देंगे और 10 को x के साथ गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 14 गुना 15 210 हो जाएगा, 10 को बराबर का इधर लाएंगे तो भागा 10 हो जाएगा और 0 0 कट जाएगा, 21 बचेगा, x बराबर 21, 21 मीटर इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा 21 मीटर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। एक कूलर का मूल्य 2500 रुपये है, यानी कि 2500 रुपये है, रुपये था। अगर 5% उस पर कर लगता है तो कर लगने के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम लोग 2500 का 5% निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए का मतलब गुना होता है, गुना लिख देंगे और फिर 5% मतलब 5/100, और यहाँ पर 2500 को 2500 सेम लिख दिए हैं। अब 0 0 कट जाएगा और 25 को 5 से गुना कर देंगे, 25 5 125 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कि 125 रुपया कर देना पड़ रहा है। एक्चुअल मूल्य कितना है 2500, 2500 में 125 जोड़ देंगे, अतः मूल्य बराबर 125 को जोड़ देंगे 2500 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2625। तो 2625 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, पूर्ण संख्याएं निम्न में से किस संक्रिय के अंतर्गत सहचर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या किसके साथ सहचर नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है योग, यानी कि 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब इसको पलट देते हैं, 3 को हम लोग 2 के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि योग के साथ सहचर है। व्यवकलन यानी कि घटाव, घटाव के देखिए अगर 2 में हम लोग 1 घटाते हैं तो 1 बचेगा, उसी प्रकार 1 में अगर हम लोग 2 घटा देंगे तो -1 बच रहा है, दोनों देखिए बराबर नहीं है, तो इसीलिए व्यवकलन के साथ सहचर में नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुनन लिखा हुआ है बट एक्चुअल में ये गुणन है, ठीक है, गुणन के साथ होता है। जैसे 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 2 2 2 2 2 3 6 होता है, उसी प्रकार 3 को हम लोग गुना करेंगे 2 के साथ तो 3 2 6, यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं होगा, तो गुणन के साथ भी सहचर है लेकिन व्यवकलन यानी कि घटाव के साथ सहचर नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑन विच सीजन बर्ड लेड एग इन केस ऑफ एंड श्यामाज हाउस। पहला ऑप्शन है समर, दूसरा विंटर, तीसरा रेनी, चौथा ऑटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला समर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। हाउ मैनी एग्स वर लेड बाय बर्ड इन केस ऑफ हाउस। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 अंडे पक्षी ने दिए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। फ्रॉम वेयर श्यामा ब्रिंग्स राइस एंड बर्ड टू ईट। श्यामा चावल कहाँ से लाई थी। पहला ऑप्शन है घर से, दूसरा फ्रॉम हर फ्रेंड्स, तीसरा क्या है ये लेपोर्ट, और चौथा है हर किचन। तो यहाँ पर होम भी सही होगा और यहाँ पर हर किचन भी सही होगा, ठीक है, बट चावल का बात हो रहा है तो किचन ज़्यादा बेटर लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा को आप सही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। विच इज द मीनिंग ऑफ एनवे इन द पोयम माई मदर। एनवे का मतलब क्या होता है पोयम में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेलसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवे इन द स्ट्रेंथ इन द पोयम माय मदर। यहाँ पर देखिए एनवे इन द स्ट्रेंथ का मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा थर्स्ट, तीसरा थिंकिंग, चौथा है विजडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पर स्ट्रेंथ का बात हो रहा है मतलब पावर होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर की ओर। इन द पोयम माई मदर चाइल्ड से दैट सी
विल मीट हिज मदर अगेन इन विच डे, पहला ऑप्शन है द नेक्स्ट ईयर, दूसरा ऑप्शन है ऑन जजमेंट डे, तीसरा ऑन लिस्ट बर्थडे, चौथा ऑप्शन है ऑन ईद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑन जजमेंट डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। हाउ लॉन्ग वाज रेट स्नैक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो सांप आया था रेट स्नैक, वो कितना लंबा था। तो देखिए इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। काली वाज थिंकिंग दैट टेक द स्नैक टू विच जू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विंडलूर जू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, काली वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर होम, काली किसके लिए नया ड्रेस खरीदना चाहता था, हर मदर या हर सिस्टर, हर फ्रेंड, हर टीचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हर सिस्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। ऑन विच डेट देर वाज अ एवलेंच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्थ सियाचिन ग्लेशियर, पहला ऑप्शन है 10 जुलाई 2015, दूसरा ऑप्शन है 3 फरवरी 2016, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2015 और चौथा ऑप्शन है 9 फरवरी 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 2016 को। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 51 नंबर। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एवलेंच लैन हमनथापा ऑफ मैड्रेस रेजिमेंट रेस्क्यूड, पहला ऑप्शन है आफ्टर 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है आफ्टर 1 डे, तीसरा ऑप्शन है आफ्टर 6 डेज और चौथा ऑप्शन है आफ्टर 9 डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आफ्टर 6 डेज। अब बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विच ईयर, तो देखिए पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन 1972 और चौथा ऑप्शन 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर की ओर। राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन का करेक्ट फॉर्म लिखना है। देखिए दिस इज माई ब्लैंक माई सिस्टर रूम, सिस्टर्स, सिस्टर, सिस्टर इज, सिस्टर वाज। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई सिस्टर्स रूम होगा, यहाँ पर ये माई सिस्टर टाइपिंग मिस्टेक से ये लिखा गया है, दिस इज माई सिस्टर्स रूम, ये सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर। विच प्लेयर वाज डायग्नोज्ड विथ अ स्पाइनल ट्यूमर व्हेन सी वाज 26 एंड हाउ सी इज अ पैरा प्लेयर ऑफ शूट थ्रो, तो इसका हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुशीला चानू, दूसरा ऑप्शन है निक्की प्रधान, तीसरा ऑप्शन है दीपा मलिक, चौथा ललिता बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दीपा मलिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 55 नंबर की ओर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल ये तो सही है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ये यहाँ पर TION होना चाहिए, गलत है, और यहाँ पर एकम्पलिस्ट ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इंटरनेशनल ये भी मुझे सही लग रहा है। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है, तो 3 करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन पहला, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा, ऑप्शन दूसरा गलत है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली यहाँ पर देखिए करेक्ट स्पेलिंग चुनना है तो 3 सही है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बच्चों को, बट आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। देखिए 56 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ वर्ड, LA blank GUAGE, तो यहाँ पर N भर देंगे, LANGUAGE लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए 57 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ वर्ड, POT कार्ड, तो यहाँ पर हम लोग POST एस लगा देंगे, POST पोस्ट कार्ड हो जाएगा, मस्त आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 58 नंबर, एड सुटेबल सफिक्स टू मेक अ वर्ड इन एक्शन,
एक्शन के साथ वर्ड बनाना है, एक्शन के साथ सफिक्स जोड़कर। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा टफ़ क्वेश्चन है। आई थिंक कहीं पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मुझसे बन नहीं रहा है। अगर आपसे बनता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर की ओर। हु इज द रेसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम झारखंड? झारखंड से परमवीर चक्र किसे मिला है? तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। हर एक स्टेडियम का नाम देखिएगा आप, आपके जिला में कहीं ना कहीं अल्बर्ट एक्का स्टेडियम रहेगा ही रहेगा। अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र मिला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर की ओर। चूज करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। लीला एंड राज ब्लैंक गोट मैरिड अबाउट अ ईयर अगो, रिसेंटली बॉट अ न्यू हाउस। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है दैट, दूसरा ऑप्शन है हु, तीसरा ऑप्शन है हु इज दैट, चौथा ऑप्शन है दैट इज। तो इसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा ज़्यादा बेटर लग रहा है, हु। लीला एंड राज हु गॉट मैरिड अबाउट अ ईयर अगो, रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, न्यू हाउस। ठीक है, न्यू हाउस, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सामान्य विज्ञान की ओर। सामान्य विज्ञान देखिए, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उराव किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लेखन, दूसरा पर्यावरण, तीसरा फिल्म जगत, चौथा खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पर्यावरण से। फिर देखिए नेक्स्ट 62 नंबर, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1767, दूसरा ऑप्शन है 1752, तीसरा ऑप्शन है 1758, चौथा ऑप्शन है 1769। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1752 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर की ओर। झारखंड से होकर कितने राजमार्ग गुजरते हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 23, चौथा ऑप्शन है 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 13 राजमार्ग गुजरते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 64 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा 11वां, तीसरा 12वां, चौथा 14वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 14वां राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 65 नंबर, झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया? 1865 या 1845, 1853, 1875। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1845 ईस्वी में। इसे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर की ओर, झारखंड का कुल साक्षरता दर कितना है? पहला ऑप्शन है 49.15, दूसरा ऑप्शन है 53.01%, या तीसरा ऑप्शन है 66.40%, चौथा ऑप्शन है 74.01%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 66.40%। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये डाटा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर की ओर, झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 80:19, दूसरा ऑप्शन है 65:34, तीसरा ऑप्शन है 72:27, चौथा ऑप्शन है 76:24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 76:24। अब देखिए नेक्स्ट 68 नंबर की ओर, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है 260, दूसरा ऑप्शन 267, तीसरा ऑप्शन 263, चौथा ऑप्शन है 270। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 21 का क्वेश्चन है। और 2020 में झारखंड में कुल प्रखंड का संख्या 260 था, लेकिन अभी 2022 चल रहा है, 2022 में टोटल झारखंड में जो प्रखंड है वो 264 है, अभी 4 प्रखंड बढ़ गया है। तो अगर आपका क्वेश्चन में आता है इस बार भी, तो 264 को सही करना है, 260 2020 में था, अभी बढ़ गया है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट 69 नंबर की ओर, झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1735 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1739 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1741 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1785 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
1741 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन 1965, तीसरा ऑप्शन है 1967, चौथा ऑप्शन है 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 71 नंबर की ओर, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? पहला ऑप्शन है आनंद कलम चक्रवर्ती, दूसरा रामनाथ बोस, तीसरा इंद्र भूषण राय, चौथा ऑप्शन है निर्मल बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आनंद कमल चक्रवर्ती। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग 72 नंबर की ओर, आदिम जनजाति झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा ऑप्शन है 22%, तीसरा ऑप्शन है 23%, चौथा ऑप्शन है 24%। तो देखिए मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए, ठीक है? मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि यही आंसर होगा, बट आप सी नंबर को सही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर की, टंगस्टन बुल्फेमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हजारीबाग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 74 नंबर की ओर, बेदिया का गोत्र चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन है नीलगाय, दूसरा पानपत्ता, तीसरा जंगली हंस, चौथा भेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भेड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 75 नंबर की ओर, 75 नंबर, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोडरमा व गिरिडीह, दूसरा धनबाद व दुमका, तीसरा बोकारो व गोड्डा, चौथा पश्चिमी सिंहभूम व देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोडरमा व गिरिडीह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 76 नंबर की ओर, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है NH 32, दूसरा NH 33, NH 22 या NH 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, NH 33। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 77 नंबर की ओर, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखिए पहला ऑप्शन है ननी गोपाल मुखर्जी, दूसरा कार्तिक उराव, तीसरा ठेबले उराव या चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ननी गोपाल मुखर्जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 78 नंबर की ओर, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 18वां, दूसरा 20वां, तीसरा 21वां, चौथा 28वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 21वां स्थान है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 79 नंबर की ओर, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है मुंडल, दूसरा मुरंड, तीसरा गंधर्व देश और चौथा है पुंडरिक देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुंडरिक देश कहा जाता था। अब बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर, 80 नंबर, भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का मामला किस राज्य में मिला था? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा केरल, तीसरा चेन्नई, चौथा बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केरल में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था भारत में। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 8 का RSTE का यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए, यही आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप अपना चैप्टर, अपना जो भी बुक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को HTS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।